सुबी शर्मा ने अब धनंजय धरकन को अपने फिल्म में एंट्री कराएगी। अब उसे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में लाना चाहता है सुबी शर्मा धनंजय धरकन की, क्योंकि धनंजय धरकन भोजपुरी इंडस्ट्री का वो मुमताज बन चुका है कि पब्लिक के दिलों पर राज करने लगी है। इसलिए सुबी शर्मा ने अब सोचा है कि शायद उसे फिल्म इंडस्ट्री में लाया जाए ताकि और आगे वो बढ़ सके। सुबी शर्मा भी भोजपुरी इंडस्ट्री का वो शख्स है कि फिल्म इंडस्ट्री का एक महान एक्ट्रेस के रूप में उसको मानी जाती है, क्योंकि काफी ऐसे हिट फिल्म उन्होंने दिया है भोजपुरी इंडस्ट्री को और साथ साथ में पैसे भी कमाने में सबसे आगे निकली है भोजपुरी इंडस्ट्री में सुबी शर्मा की फिल्म में। क्योंकि उसकी फिल्म जब रिलीज होती है तो लोग देखने के लिए काफी ज्यादा उतावला रहता है और लोग देखने के लिए जाता है। इसी तरह से धनंजय धरकन भी कम नहीं है। धनंजय धरकन वो शख्स मानी जाती है भोजपुरी गायक इंडस्ट्री में कि भोजपुरी गाना में सबसे बड़का एक्ट्रेस और गायक दोनों में से एक मानी जाती है, क्योंकि काफी ज्यादा उसकी फैन फॉलोवर भी है। 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यू उसके गाना पर आ चुकी है। इसलिए धनंजय धरकन को भी भोजपुरी के बहुत बड़का एक सिंगर मानी जाती है। मगर सुबी शर्मा अगर धनंजय धरकन को अपने फिल्म में लेगी तो वो फिल्म हिट होगी और जनता में धूम मचेगी, क्योंकि दोनों सुपरस्टार के फिल्म जब एक साथ आएगी तो पब्लिक देखने के लिए काफी ज्यादा जाएगी। मगर सिर्फ फर्क इस बात की है कि धनंजय धरकन की उम्र कम है, काफी ऐसे कम दिनों में ज्यादा पहचान उन्होंने पा लिया है, मगर उसकी एज अभी कम है और सुबी शर्मा की एज काफी ज्यादा हो चुकी है, यानी कि दोनों की जोड़ी नहीं मिल सकता है। यही बस प्रॉब्लम है, नहीं तो फिल्म दोनों की अगर आएगी तो काफी हिट हो सकता है। धनंजय धरकन अपने फिल्म रिलीज करने के लिए और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए न जाने उन्होंने कितना मेहनत किया है, बहुत ऐसे स्ट्रगल किया है। जो उसका फेवरेट म्यूजिक कंपनी है उसके साथ भी लफड़ा करके वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जाने की कोशिश कर रही है। अगर सुबी शर्मा के साथ उसको फिल्म में जाने के लिए अगर अवसर मिलेगी तो सुबी शर्मा के लिए तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट होगा ही होगा, साथ साथ में धनंजय धरकन के लिए तो काफी ज्यादा खुशी होगी वो बात, क्योंकि सुपर स्टार सुबी शर्मा है भोजपुरी इंडस्ट्री का, बहुत बड़का एक्ट्रेस उसको मानी जाती है। सेम उसी तरह से धनंजय धरकन भी भोजपुरी का एक सुपर स्टार गायक के रूप में मानी जाती है, हीरो के रूप में उसको नहीं मानी जाती है और न ही फिल्म इंडस्ट्री को तो खैर कुछ भी नहीं माना जाता है, क्योंकि एक भी फिल्म धनंजय धरकन को रिलीज नहीं हुआ है और नहीं आया है, इसलिए उसको फिल्म इंडस्ट्री में तक कोई लोग नहीं जानता है। धनंजय धरकन की वो दिन बहुत ही अच्छी होगी और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए स्टेप भी हासिल कर लेगी धनंजय धरकन जब सुबी शर्मा के साथ उसको फिल्म बनेगी तब। धनंजय धरकन अगर सुबी शर्मा के साथ उसको फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए धनंजय धरकन की कुछ और दिन तक इंतजार करना पड़ सकता है, कुछ लंबे समय लग सकता है, क्योंकि इतने आसानी से सुबी शर्मा उसको लेने वाला नहीं है, इतने सिंपल तरीके से सुबी शर्मा उसको फिल्म एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि आगाड़ी से ही सुबी शर्मा की पूरा प्लानिंग बना हुआ रहता है कि किस तरह से कहां पर फिल्म निकालना है, किसके साथ कहां क्या करना है। और धनंजय धरकन को तो खुला है, फ्री है, वो सिर्फ गाना निकालती है और गाना निकालने के बाद जहां पर भी ब्रेक मिलेगी तो वो चल जाएगी। मगर सुबी शर्मा की ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक सुपर स्टार है, ऑलरेडी उसको सब कुछ टिका हुआ रहता है, बना हुआ रहता है। इसलिए धनंजय धरकन और सुबी शर्मा के एक साथ फिल्म आने के लिए और भी कुछ लंबे टाइम लग सकता है।